अब आंकड़े आपको बता देना चाहती हूँ एक बार फिर से, दिल्ली का बॉस कौन, ये आप जानना चाह रहे हैं। एमसीडी चुनाव में अब तक 13 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं, 7 पर बीजेपी आ गए हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। ये मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रही हूँ। 1 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस ने पकड़ बना ली है। चौहान बांगर सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 13 में से 7 पर बीजेपी आगे है, 4 पर आम आदमी पार्टी आगे नहीं है, जीत चुकी है इनफैक्ट, और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है, 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। रुझान ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 129 सीटें, बीजेपी को 106 सीटें, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक अभी रुझान में आम आदमी पार्टी आप देखिए बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 11 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 120 सीटों पर, यानी मेजोरिटी वाला फिगर क्रॉस कर चुकी है, और बीजेपी बहुत पीछे इस वक्त चुनाव आयोग के रुझानों में दिख रही है। 102 पर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 130 पर है, ये चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक। अभी 12 से 13 सीटों का अंतिम जो है रिजल्ट आ चुका है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।